जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी में इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट पर चीटिंग के मामले सामने आए हैं और दोस्तों एसएससी ने भी अपनी तरफ से नोटिस जारी करके इस बात को माना है कि हाँ भाई इस बार एसएससी में काफ़ी ज़्यादा चीटिंग हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ये सीएचएसएल के एग्जामिनेशन को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है एसएससी की तरफ से, जिसमें उन्होंने खुद माना है कि इस बार जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 240 केसेस लगभग सामने आए हैं, जिसमें दोस्तों नकल के मामले या फिर और कोई प्रॉब्लम बच्चों को हुई है उसके मामले सामने आए हैं। दोस्तों कुछ केसेस में एसएससी ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। दोस्तों ये पहली बार है कि कम से कम 40 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं नकल के। और दोस्तों ओवरऑल कैंडिडेट्स की बात की जाए सीएचएसएल में जिनने फॉर्म अप्लाई किया था दोस्तों उनकी संख्या थी 63,49,545, जबकि एग्जाम देने जो पहुंचे हैं उनकी संख्या है केवल 26,51,962। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बच्चे ने आवेदन कुछ किया है और देने कुछ बच्चे ही पहुँच रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पेपर देने नहीं पहुँचे। तो ये सब इस वजह से है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ही पता है कि एसएससी में नकल के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कैंडिडेट्स इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी उन्हें दोस्तों जॉब नहीं मिलती क्योंकि कट ऑफ इतनी बढ़ जाती है नकल की वजह से बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों एसएससी को इनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों केवल एफआईआर से काम नहीं चलने वाला है, इनको दोस्तों सबक सिखाना चाहिए अगर ये इस तरीके की घटनाएँ करा रहे हैं। अभी आपने खबर सुन पड़ी होगी एग्जामिनेशन न्यूज़पेपर में दोस्तों के एसएससी के एग्जामिनेशन में लगभग 100 से 150 बच्चों को नकल कराने के जुगाड़ में थे, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने भी अपने चैनल पर उस खबर को डाला था। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी में काफ़ी बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो ये नकल की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, और एसएससी इतनी स्लो कार्रवाई क्यों कर रहा है? दोस्तों अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अब टाइम आ गया हमारे क्विज क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज का क्विज क्वेश्चन ये है कि दोस्तों गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ए कोकणी, बी गुजराती, सी मराठी या डी पुर्तगाली। तो दोस्तों आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ए बी सी या डी में से जो आपको सही लग रहा है ऑप्शन वो केवल ऑप्शन लिखना है। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर मैं बता देता हूँ। सवाल ये था भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, और भी ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है वो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।